तो आइए देखते हैं अय्याज मेला सीजन 7 इन हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद रहमान आपके सामने और आप मुझे देख रहे हैं रेहानिया चैनल से। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कमेंट माय सेल्फ, दिस इज मोहम्मद रहमान और लोग मुझे अब्दुल रहमान भी कहते हैं। सो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने लिंक पे क्लिक किया और आए हमारे यूट्यूब पे और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉलर बिशवली सदरी व यसरली अमरी वहलुल उखदतम मिन लिसानी यफकहू कौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है या फिर हमारी एक जर्नी है वो है अय्याज मेले की तरफ। तो हमने अपने दिन की शुरुआत कैसे की तो आइए आपको दिखा दें। आज का बल्ला पकड़े बैटिंग करते हुए मामू जल्दी एक इसको बनाते हुए अभी उसको 24 इसको ही बनाएगा यार, क्या बात है। सुबह सवेरे उठ के 7 बजे नाश्ता वगैरह करके और फिर हम निकल पड़े क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, क्योंकि फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर वो सुबह के टाइम की जाए तो वो बेहतरीन मौका होता है। ये हमारा बैट्समैन आ चुका है इस मैदान में और इसका बॉलर है सनाउला खान। ये समीउल्लाह की बॉलिंग है और हम यहाँ पर समीउल्लाह के आउट होने के समय सनाउला के आउट होने की तैयारी कर रहे हैं। समीउल्लाह खान एक खुद यूट्यूबर है, एक छोटे लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया है और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करें और उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करें। ये तायरा बॉलिंग कराने लगी है और ये विकेट के आगे आ गया। आउट है। अंकल जी इस बेचारे को बोल रहे हमने क्रिकेट वगैरह खेलकर और बिल्कुल ही थक चुके थे और हम सोच रहे थे कि हम घर जाएं। दोस्तों ने मुझे पिक किया और हम निकल पड़े अय्याज मेले की तरफ। जे नाह दियाटी विज सही का जो तबारे थी सकजे उंदाह ता दरिया हजियां का लहर उजारे थी सकजे मायूस न थी तारीख कना जो थियणो ई हो सो थी वियो मायूस न थी तारीख कना जो थियणो ई हो सो थी वियो ही हथ हथोड़ा अज बया थी ए दुनिया डारे थी सकजे। बार मुखे ता चवन सिंध तोखे थी सडे धरतीय के तुम छडे रोज वांगुर बोलियूं के वाटणी मां चवां तो रोज गोली के लवायो किया मां चवां तो रोज गोली के लवायो किया सिंधड़ी के मुं गवायो किया नज़्म मुंजा ताबत दींदा वां के जिंदगी नज़्म मुंजा ताबत दींदा वां के जिंदगी जा वने थी अज खसी नज़्म मुंजा ताबत दींदा वां के जिंदगी जा वने थी अज खसी पर खसे सगदो वा कोई अवां का हिय कोन पर खसे सगदो वा कोई अवां का हिय कोन नज़्म मुंजा अंत मारे को भी सगदो जिय कोन। Yeah.
हमें लगी भूख और खाने के बाद हर कोई सोचता है कि या तो चाय होनी चाहिए एक जबरदस्त सी कड़क या फिर बोतल होनी चाहिए। तो हम सोच ही रहे थे तो हमारा एक दोस्त आया जिसका नाम है अली रजा सियाल जो कि हैदराबाद से बिलोंग करता है और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। तो उन्होंने बोला कि आइए हम चलते हैं ऑटोबान। तंदूरी ग्रिल पे चाय पीने सो नेकी का काम और पूछ पूछ हम करते रहिए। उसके बाद हम गए चाय वगैरह पीने के लिए। चाय भी हमने बहुत ही बढ़िया जबरदस्त चाय थी। बट मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा जो कि वीडियो देख रहे हैं और अली रजा भाई को स्पेशली कि आए टंडो जाम विजिट करें और हम आपको एक बेहतरीन सी बढ़िया सी कड़क चाय पिलाएंगे और आप भूल जाएंगे सारी हैदराबाद की चाय। हमने वापसी का सफर शुरू किया जो कि बहुत ही बोरिंग गुजरा क्योंकि आइए मैं दिखाता हूँ। आपके साथ सूफी दोस्तों तो ऐसे ही गाने सुनने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अप्रिशिएट मी। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।